हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई की बहुत ही टेस्टी सब्जी, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानिए, और 5 मिनट में बनके तैयार भी हो जाएगी। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो मलाई की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम यहाँ पर एक पैन रख लेते हैं। पैन में हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा तो आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर डाल लेंगे जीरा, और जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 चम्मच। हम यहाँ पर ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप लहसुन को ग्रेट कर ले। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पे अदरक डाल लेंगे। गैस के फ्लेम को आप यहाँ पे बिल्कुल लो ही रखें, लहसुन बहुत जल्दी तेल में नहीं तो जल जाएगा। हल्का सा इसका कच्चापन हमें दूर करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, अदरक को। उसके बाद हम यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल लेते हैं। तो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हुई है, बारीक काट लिया है। प्याज को हमें बहुत अच्छे से ब्राउन करना है। तो एक बार अच्छे से हम चला लेते हैं, चम्मच से चलाते हुए हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो देखिए प्याज का कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया। अब 2 बारीक कटी हुई हम यहाँ पे हरी मिर्च डाल लेते हैं। तो एक बार चम्मच से और अच्छे से चला लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसे भी हम एक बार अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को आप लो मीडियम ही रखें। लो मीडियम फ्लेम में हम मसाले को पकाते हैं तो धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छे पकते हैं। आधा छोटी चम्मच हम यहाँ पे नमक डालेंगे, आप नमक स्वाद अनुसार डालें। आधा छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच देगी मिर्च डालेंगे, इससे सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा और ये तीखी भी कम होती है। 1 चम्मच हम यहाँ पे छोटी चम्मच से धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच डाल लेंगे जीरा पाउडर, और सारे मसाले को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, जब तक कि अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो मसाला आप जितना अच्छा पकाएंगे, कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हो तो आपको मसाले को बहुत अच्छे से पकाना होता है। जब मसाला अच्छा पकता है तो सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, एक बोल हमने यहाँ पर घर की ताज़ी मलाई ले ली है। तो मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो घर की ताज़ी ताज़ी हम मलाई ले लेंगे। और देखिए अब मलाई को हम इसमें मसाले में डाल लेते हैं। और इसे अच्छे से हम चला लेते हैं मसाले के साथ। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी करने की ज़रूरत नहीं है। मलाई डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसको हमें पकाना है। तो देखिए धीमी धीमी हम आज पे सब्ज़ी को बनाएंगे, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब हम यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा डाल लेते हैं कसूरी मेथी, इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक बार और सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी को हमें हरा धनिया डालने के बाद 1 मिनट हम और पकाएंगे, इससे हरे धनिया का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है सब्ज़ी में, अगर हम उसे थोड़ा सा सब्ज़ी के साथ पका भी लेते हैं तो। तो देखिए सब्ज़ी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कितना अच्छा कलर आ गया है। तो बस सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये मलाईदार क्रीमी क्रीमी सब्ज़ी खाने में। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसे हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं चपाती के साथ, ये बहुत टेस्टी लगेगी। चाहे तो आप इसे पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये चपाती के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और घर में सबको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाएं। और देखिए कितना आसान भी है ये सब्ज़ी बनाना, और कितना अच्छा परफेक्ट कलर भी आया हुआ है, और बिना मेहनत के, कम मेहनत में ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।